मेरा किया कराया व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अकेली रहूंगी। मैं यहाँ रोना नहीं चाहती हूँ, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिव्यांका मेरे साथ है। मैं यहाँ का व्यू पहले शेयर करती हूँ आपके साथ, फिर आपको कुछ दो तीन चीज़ें बतानी है, वो बता देती हूँ, न्यू अपडेट्स। और तकरीबन 5 बजे का टाइम है और मैं आपको दिखा देती हूँ व्यू कि यहाँ का मौसम कैसा है। बहुत ही ऑसम हो गया मौसम। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम ऑसम हो गया। ये है मेरा गुगू और ये है बारिश। जब बारिश होती है ना, जब गर्मियां होती हैं फिर बारिश हो जाए ऊपर से, और वो सौंधी सौंधी की मिट्टी की खुशबू होती है ना, वाह बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ अपडेट्स। पहली अपडेट ये है कि हम मॉल पर गए थे घूमने के लिए, बच्चों की फ़ोटोज़ भी खिंचाई, पहाड़ी लुक में फ़ोटोज़ खिंचाई हैं सब बच्चों की, आरव, चेरी, श्वेता, आरती और दिव्यांका की। यही बताना था आपको कि मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी, मेरे फ़ोन में फिर से दिक्कत हो गई थी। मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम आपको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें चलता ही रहता है, कॉल आती है तो कॉल नज़र नहीं आती कि किसकी कॉल है, कॉल बंद होने के बाद भी कॉल कितनी देर तक, आधा एक घंटा तक कई बार नज़र नहीं आती कि किसकी कॉल आई थी, बहुत टाइम बाद शो होती है। और दूसरी चीज़ इसकी फ़ोन की ये है कि इसमें जब थोड़ी सी भी स्टोरेज ज़्यादा हो जाए तो मेरे सारे जितने भी व्लॉग होते हैं ना ख़राब हो जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ तो 2 व्लॉग ख़राब हो चुके हैं जो मैंने बताया, 1 15 मिनट का था, 1 14 मिनट का था। तो वो व्लॉग जब से ख़राब हुए ना, मेरा मन बहुत टूट गया है इस फ़ोन से खासकर, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है तो इसी फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा। नया फ़ोन तो देखो मैं ले नहीं सकती क्योंकि मेरी सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, क्योंकि कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, ये इसी से गुजारा करेंगे। इसको ठीक करवाने के लिए मैं 2 3 दिन में देकर आऊँगी, फिर 2 दिन बीच में व्लॉग नहीं होगा। और कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे व्लॉग बना लूँ या शॉर्ट्स बना लूँ, वो पहले से अपलोड कर दूँगी ताकि 2 दिन तक कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना काम ईमानदारी से करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ का गैप ना हो जाए। तीसरी चौथी अपडेट ये है, मैं भूल गई हूँ कौन सी अपडेट है ये, दिव्यांका को बॉक्सिंग ग्लव्स लेने थे वो मिल गए हैं क्लास से। लास्ट में यही अपडेट बताऊँगी कि मैं हमेशा से अकेली हूँ और मैं अकेली थी और अकेली रहूँगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सामने से किसी को डायरेक्ट जाकर नहीं बोलती कोई भी चीज़ जो मेरे मन में होती है, तो मैं जब भी शेयर करती हूँ ये चीज़, या तो मैं मंदिर के पास बैठकर करती हूँ भगवान से, और भगवान को तो सब पता है, उनको उससे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अकेली हूँ, अकेली थी और अकेली ही रहूँगी मुझे लगता है, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। और ये वीडियो अभी बना रही हूँ मैं, अभी ही अपलोड करूँगी। आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे तो शायद मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर पाऊँ, और उम्मीद यही करती हूँ, खुद के साथ उम्मीद यही लगाई है कि मैं अच्छा करूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरा काम मैं ईमानदारी से करूँ, और मैं किसी के प्रति अपने दिल में पाप या बुरा भाव नहीं रखती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है, अगर कोई मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो मैं 2 कदम बढ़ाती हूँ, कोई मेरे मुझसे 1 बार प्यार करता है मैं 3 बार प्यार जताती हूँ, लेकिन मेरा किया कराया व्यर्थ हो जाता है क्योंकि कोई मेरा साथ नहीं देता है। मैं अकेली हूँ, अकेली रहूँगी, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। मैं जितना भी कुछ शेयर करती हूँ सिर्फ आप लोगों से करती हूँ, और मैं यहाँ रोना नहीं चाहती हूँ, अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, अब पानी पी लूँगी, गला भर गया है। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आप मेरा साथ दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो आगे जाता है तो और लोगों के पास भी वीडियो जाएगा और मुझे मेरी तरक्की में थोड़ी मदद मिल जाएगी। और वीडियो हो सके तो पूरा देखिएगा, क्योंकि जितना वॉच टाइम बढ़ेगा वीडियो का उतनी मेरी मदद हो जाएगी और मैं ज़िंदगी भर आप लोगों का एहसान मानूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोशिश करूंगी कि मैं रोऊंगी नहीं और खुश रहूँ। और आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।